व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। आज है ट्यूजडे, सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं जिम के लिए हूँ पूरी तरह से तैयार। वो इसलिए बिकॉज जानू ने आज 4:30 बजे उठा दिया, खुद भी वो 4:30 से पहले ही उठ गई थी एंड मेरे को भी उठा दिया ये बोल के कि यार 5 बजे चल लेंगे जिम ताकि हम जल्दी जल्दी वर्कआउट कर लें। जल्दी जल्दी तो नहीं, मतलब अच्छे से आराम से वर्कआउट कर लें, उसको टाइम मिल जाए उसका एंड उसके बाद हम फिर ऑफिस भी टाइम से जा सकें। कल ना हुआ गया था कि हम 5:45 बजे तक पहुँचे थे जिम, जिसकी वजह से ना हम मतलब 1.25 घंटा ही वर्कआउट कर पाए, बहुत अच्छे से नहीं कर पाए उसके हिसाब से, क्योंकि उसको आदत है कि 1.5 घंटे आराम से वर्कआउट करने की अच्छे से बिल्कुल हैवी, और मेरी आदत है कि यार 1 घंटे में रैप करना होता है मुझे सब कुछ एंड 1 घंटे का वर्ड मेरे लिए काफ़ी रहता है। बट इसका वर्कआउट पूरा नहीं हुआ था तो उसने बोला कि अब और जल्दी उठेंगे एंड अगर आज भी उसका वर्कआउट नहीं हो रहा तो कल हम 4 बजे उठने वाले हैं एंड उसके बाद 3 बजे, उसके बाद 2 बजे, तो भाई आपको सोएंगे ही नहीं हम, तो ऐसा कुछ होने वाला है। तो इसलिए अच्छे से वर्कआउट करवाना है इसका आज, ताकि भाई बिल्कुल कल से हम एक टाइम पे उठें, फिक्स हो जाए टाइम, कि ऐसा नहीं हो कि 4:30 हो गए, उसके बाद 4 हो गया, उसके बाद 3:30 हो गया। तो बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ का। सुबह उठते मैं बहुत फुर्ती से तैयार हूँ, बहुत जल्दी मैं अपने गाने वाने चलाए हैं एंड उसके बाद सब कुछ काम वाम किए हैं जो सुबह के काम होते हैं एंड अब मैं तैयार हूँ। तो चलो अब जिम चलते हैं एंड खूब वर्कआउट करेंगे, खूब बॉडी बनाएंगे, लेट्स गो। गाइस अभी तक इतना अंधेरा हो रहा है कि ऐसा लग रहा है हम रात को कहीं जा रहे हैं बाहर, बट काफ़ी ज़्यादा मतलब शांत है रोड, कोई है नहीं रोड पे, तो उससे पता चल जाता है कि भाई बिल्कुल भी ऐसे रात नहीं हुई, सुबह सुबह हो रही है, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग बिफोर सनराइज। बहुत सही है यार, मतलब बढ़िया लग रहा है काफ़ी। ये जिम 2nd फ्लोर पे है ना, तो कल जानू ने लेग्स करवा दी थी तो ऊपर चढ़ने में इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हुई मेरी आज, तो मैंने कल बोला था इसको इसलिए मेरी ज़्यादा लेग्स मत कराओ आज, मेरे से होगा नहीं भाई, और आज थोड़ा पता चल रहा है मेरे को। एंड जिम में आते ही ऐसा पता चला यार कितनी ज़्यादा ठंड है, बिल्कुल ही कुल्फी जम रही है अंदर आते ही। थोड़ा वार्म अप करेंगे तो थोड़ा बेटर फील होगा। चलो थोड़ा रनिंग वगैरह कर लेते हैं। ट्रेडमिल पे वॉक करने के बाद 2 मिनट तक तो ऐसा लगता था कि यार आपकी धरती हिल रही है नीचे की एंड आप अभी भी चल ही रहे हो ट्रेडमिल के ऊपर, इसलिए ट्रेडमिल में चलना बिल्कुल पसंद भी नहीं है एंड अभी तक ठंड भी कम नहीं है यार जिम के अंदर, जब लोग आएंगे ना तभी शायद थोड़ा बेटर फील होगा। अभी जानवर मैं ना बाइसेप कर्ल कर रहे थे, उसके अंदर स्टार्ट मैंने किया 10 किलो से, पता नहीं जब 15 किलो की वर्कआउट उठाई ना तो यार मेरे को लगा पता नहीं 10 और 15 किलो में 20 किलो का अंतर है ऐसा लग रहा था। 10 का तो आराम से हो गया, 15 का हो ही नहीं रहा था, और फिर 15 के बाद 20 के ना वो नॉर्मली हो गया, मतलब 15-20 में इतना अंतर नहीं लगा मुझे, बट 10 से 15 में तो पता नहीं क्या ही हो गया भाई, धरती हिल गई, क्या हो गया, ग्रेविटी बढ़ गई, बहुत ही मुश्किल हो गया वो रहा तो मेरे लिए। जानू ने आराम से कर लिया, शायद मेरे में कोई कमी है। कल ना हमारे ट्रेनर नहीं आए थे क्योंकि ना उनका एक्सीडेंट हो गया था परसों, तो कल उन्होंने छुट्टी ले ली रेस्ट करने के लिए। आज वो आए तो आज उनको बताया हमने कि कल क्या किया था एंड आज क्या कर रहे हैं, तो वो बोल रहे थे बढ़िया बढ़िया सही कर रहे हो एंड वो फिर मतलब बात बात हुई उनसे, बता रहे थे कि उनको बहुत तेज़ लगी हुई है एंड उनकी चोट देख के बहुत बुरा लगा। एक और मेन रीज़न हमारा जल्दी आने का ये है कि जिम बहुत ज़्यादा भर जाता है 6 बजे के बाद, तो ऐसे लोग धड़ाधड़ाने लगते हैं ना, अभी भी मतलब स्टूडियो ना पूरी तरह भर गया, जहाँ पे हम कल आराम से कूल डाउन कर रहे थे ना अपना, वो कम्प्लीटली पैक्ड है लोगों से, बहुत सारे लोग हैं, तो अब हमें पता नहीं हम कूल डाउन कहाँ करेंगे, हमें ओपन में ही करना पड़ेगा बाहर, बट कोई बात नहीं, हमारा तो वर्कआउट ख़त्म हो चुका है तो हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता, हम रोज़ ऐसे 5:30 बजे तक आ जाएंगे उससे। गाइस हमने कोई ना कोई छोटी सी जगह ढूंढ के कर ही लिया अपना कूल डाउन सेशन, वरना स्टूडियो तो बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। अब हम निकल चुके हैं जिम से, घर की तरफ जा रहे हैं। कल जितना टाइम लगा था ना मैं उससे ज़्यादा टाइम हमने वर्कआउट किया है आज, तो इसलिए हम सेम ही टाइम पे निकले ऑलमोस्ट, एंड अभी भी ये गोली की तरह भगा रही है क्योंकि इसको जाना है ऑफिस तेज़।
रास्ते में हमें कोई दूध वगैरह लेना है, दूध और अंडे भी ले लेंगे ताकि थोड़ा प्रोटीन चले जाए बॉडी में, ज़्यादा ही प्रोटीन शेक पियेंगे और उसके बाद आपके लिए मैं एडिटिंग करना स्टार्ट कर दूंगा। अरे यार थोड़ा स्लो चला लो प्लीज़। ले मैं सामान, चल चले ये देखो। गाइस अब टाइम हो गया ऑफिस के लिए तैयार होने का, लेकिन इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं बैठ के आराम से ब्रेकफास्ट कर पाऊँ, तो जो मैंने अंडे बुलवाए ना अपने लिए उनको मैं गाड़ी चलाते जाते खाने वाला हूँ ऑफिस जाने के टाइम। गाइस मैं घर से निकल गया हूँ एंड मैंने अपना नाश्ता पैक किया है इस डब्बे के अंदर। इसके अंदर 3 अंडे रखे मैंने उबले हुए, वो मैं चलते चलते गाड़ी मतलब गाड़ी चलाते चलाते खाने वाला हूँ। एंड आप लोग सोच रहे हो कि यार ये तो बिना मसाले के बिना चटनी के कैसे खाएगा, मैं दिखाता हूँ खा के। ये देखो ऐसे, बहुत बढ़िया, ऐसे ही 2 अंडे खाए हैं मुझे। अंडे खा के तो काफ़ी ज़्यादा पेट भर गया एंड मुझे खाने में भी अराउंड 20 मिनट लगे हैं। ट्रैफिक वैफिक लगा हुआ था थोड़ा सा ना, तो उसमें मतलब मैं आराम से बैठ के अंडे ही खा रहा था। और उसके अलावा मैं भूल भी गया कि मुझे फुल एग्स नहीं खाने, मुझे सिर्फ वाइट पार्ट खाना है। सिर्फ एक येलो खाता हूँ मैं एक टाइम पे ना, बाकी सारे वाइट्स ही खाता हूँ। तो 3 अंडों में मतलब एक येलो बाकी 3 वाइट्स, और मैं यार तीनों के तीनों खा गया पूरे, और चक्कर में मेरा पेट इतना ज़्यादा भर गया ना, अब लंच थोड़ा लेट हो जाएगा ऐसा लग रहा है। गाइस मैं ऑफिस पहुंचने ही वाला हूँ, 11:11 हो रहा है एंड अगले 2 मिनट में ऑफिस पहुंच जाऊंगा, गाड़ी लगा दूंगा उसके बाद जाएंगे काम करने। गाइस फाइनली मैं ऑफिस पहुंच चुका हूँ, 500 किलोमीटर दूर मुझे पार्किंग मिली है। अब मैं 500 किलोमीटर चल के जाऊंगा कड़ी धूप और कठोर परिश्रम करके, बहुत ज़्यादा थक जाऊंगा लेकिन काम बहुत सारा करना है, तो आपसे कुछ देर में मुलाकात होगी दोस्तों। एक तो यार कल लेग वर्कआउट कर लिया था उसकी वजह से चलने में भी मुश्किल हो रही है, 500 किलोमीटर कैसे चलूंगा मैं। गाइज हम ऑफिस से निकल रहे हैं, आज हमारे 6 घंटे से थोड़े ज़्यादा हुए हैं एंड कल ना पल्लव ने मेरे को बीटी दी थी क्योंकि वो छुट्टी ले ली थी उसने, एंड आज वो आ गया तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, काफ़ी रिफ्रेशिंग था पूरा दिन। हेलो क्या हो गया पल्लव, कल छुट्टी पे क्यों थे यार तुम? मैंने लेग डे ज़्यादा कर लिया था। अच्छा जी, लेग डे ज़्यादा कर लिया था, LEG भाई वो करके आ जाते फिर यार, ऑटो करके आ जाते, बैठ ही नहीं पा रहा था। बड़ा पल्लव आया था, सही था यार, काफ़ी सही गया हमारा दिन आज। हमने मतलब टेबल टेनिस के क्या फाइनल्स चल रहे थे, सेमीफाइनल्स थे, मिक्स डबल्स के मैचेस चल रहे थे, पर काफी सही था, मिक्स डबल्स के मैचेस चल रहे थे एंड बहुत सही से खेल रही थी लड़कियां भी, हां टीम भाई थी सब सोच समझ के खेल रहे थे, हां काफी मजा आया आज। आज मैं थोड़ा लेट निकला हूं ऑफिस से बिकॉज मैं चाहता था कि यार 6 घंटे तो हो गए हैं, बट ऐसे टाइम पे निकलूं जब मेरे को ट्रैफिक भी ना मिले। वैसे तो मेरे हो ही गए थे 5:30 के अराउंड 6 घंटे, बट मैंने जानबूझ के और टाइम स्पेंड किया ताकि भाई मैं ऐसे टाइम पे निकलूं कि बिल्कुल मेरे को ट्रैफिक मिल गए, आराम से पहुंच जाऊं बिना टेंशन के। चलो भाई ठीक है फिर मिलते हैं परसों यार, फ्राइडे मिलते हैं फ्राइडे। गाइस आज ना दिन में थोड़ी बहुत बारिश हुई थी, हम जब कैफेटेरिया में बैठे थे ना टीटी मैचेस देख रहे थे तो हमने देखा कि बाहर बारिश हो रही है, तो पल्लव बोलता रही बारिश पड़ रही है बारिश पड़ रही है बारिश पड़ रही है, तो मैंने देखा कि भाई बारिश हो रही है एंड फिर हमने सोचा कि यार अब तो बारिश हो गई फिर कैसे जाएंगे हम घर, क्योंकि ना हमें थोड़ा चल के आना पड़ता है ना ओपन में जब गाड़ी तक आना होता है एंड लैपटॉप होता है साथ में, तो डर रहता है कि भाई लैपटॉप ख़राब ना हो जाए, क्योंकि लैपटॉप ख़राब हो जाएगा तो एक तो भाई बहुत सारा नुकसान हो जाएगा, ऊपर से उसमें बहुत सारा काम है, अगर वो काम गया तो फिर तो यार बहुत बीटी हो जाएगी, बहुत सारा सामान है उसके अंदर। तो इसलिए ना हम ये सोच रहे थे कि भाई बारिश रुक जाए होपफुली, इस चक्कर में हम ना आराम से निकलें कि भाई बारिश रुक जाएगी ना, बारिश में तो ट्रैफिक भी हो जाता है, अगर बारिश के टाइम निकल जाओ ना अगर तुम तो फिर तो भाई आराम से ही पहुँचोगे, तुम्हें आधा पौना घंटा तो कहीं नहीं गया फिर, तो इस चक्कर में फिर लेट निकले। तो अभी बारिश नहीं हो रही, कुछ भी नहीं है, सारी मतलब सड़कें भी सूख गई हैं, इतनी मतलब हल्की बारिश हुई है, थोड़ी ह्यूमिडिटी ज़रूर है बट सीन सॉर्टेड है, बाकी सारा सब सही है मतलब बाकी। गाइस मैं घर पहुंच चुका हूं लेकिन जानू अभी तक घर नहीं आई है, वो इसलिए क्योंकि आज उसकी टीम के साथ उसका डिनर है,
एंड सिंस वो डिनर बाहर ही कर रही है तो खाना भी मैं अकेले ही खाने वाला हूँ, तो मुझे सोचना पड़ेगा कि क्या बनवाऊँ। यूजुअली तो ऐसा होता है कि जानवरों मिलकर डिसाइड कर लेते हैं कि यार क्या खाएं, क्या मन है खाने का एंड क्या क्या बनवा सकते हैं, जैसे घर में क्या क्या है, अगर नहीं होता तो फिर मैं जाके ले आता हूँ। लेकिन आज मेरे को डिसाइड करना है कि क्या खाना है, जो कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि ना मैं मतलब कुछ भी खा लेता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा अडेप्टेबल हूँ इस मामले में कि भाई कुछ भी मिलेगा मैं आराम से खा लूँगा, ज़्यादा किचकिच नहीं करूँगा, भले ही पसंद ना हो मैं खा लूँगा क्योंकि भूख लगेगी तो खाऊँगा ही। बट अब ये डिसाइड करना है क्या बनवाऊँ। जानू से पूछा मैंने कि क्या बनवाऊँ, बोलती जो आपका मन। यार समझ नहीं आया कि क्या मन है। घर में वैसे मशरूम, तोरी, घिया, टमाटर, बैंगन, अरे हाँ यार बैंगन का भरता खा सकता हूँ। वैसे भी जानू बहुत पसंद नहीं करती है ये, तो मेरे को तो बहुत पसंद है। आज बनवा देता हूँ, मौका है कि सिर्फ मेरे लिए बनेगा। चलो सही है, डिसाइड हो गया। फिर गाइस रात के 9 बज गए हैं, मेरा काम अभी भी थोड़ा सा तो बचा है, लेकिन पहले डिनर करना बहुत ज़रूरी है। मुझे बहुत भूख लग रही है, मैंने शाम को भी कुछ नहीं खाया आज। कल तो मेरे को जानू ने पीनट बटर जैम सैंडविचेस खिला दी थी, लेकिन आज जानू घर पर ही नहीं थी एंड मैं खुद भी नहीं बना पाया क्योंकि मेरा काम था, मीटिंग्स थी, तो इसलिए कुछ खा भी नहीं पाया। सिर्फ वो प्रोटीन शेक पिया है, वो भी पानी में पीता हूँ मैं, तो उससे पेट कुछ खास भरता नहीं है। तो चलो डिनर कर लेते हैं, उसके बाद काम रिज्यूम करेंगे। ये रहा हमारा बैंगन का भरता जो काफ़ी सही दिख रहा है। फाइनली सारा काम हो गया है। जानू को मैसेज करके पूछता हूँ कि यार वो कब आएगी, अभी तक वो आई नहीं है। और उसका मैसेज शायद आया हो, मैं काम के चक्कर में देख भी नहीं पाया, बस वो थोड़ी देर में आती ही होगी। तब तक चलो थोड़ी सी एडिटिंग कर लेते हैं, थोड़ा काम कर लेते हैं, ताकि कल का एपिसोड आपके लिए निकाल सकूं। दोस्तों देखो गाइस कौन आया है वापस पार्टी करके, पार्टी। कैसी रही पार्टी, मजा आया? क्या क्या खाया? चिकन, बहुत सारा चिकन खाया, बहुत सारा चिकन हाँ। प्लेटर दिख रहे हैं, डोले बड़े बड़े हो गए हैं, सारा प्रोटीन सारे डोले यहाँ पे आ गए हैं। डोले बड़े बड़े हो गए हैं। क्यूटी, वाह व्हाट अ पार्टी। मेरा काम होने वाला है एंड ऑलमोस्ट सोने का टाइम हो गया, लेकिन मुझे अचानक याद आया कि यार आज तो एप्पल इवेंट है, वो भी 10:30 बजे। आज आईफोन 15 लाइनर रिलीज होने वाला है, एप्पल वॉच अल्ट्रा का शायद नेक्स्ट लेवल भी रिलीज होने वाला है एंड साथ साथ और भी चीज़ रिलीज होने वाली है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसके लिए। लेकिन मैं उसको अभी नहीं देख सकता हूँ बिकॉज सोना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो अभी हम सो जाएंगे एंड सुबह उठते ही चेकआउट करेंगे, जैसे ही उठेंगे ना वैसे चेकआउट करेंगे कि भाई क्या क्या नए फीचर्स हैं, क्या क्या नए नए प्रोडक्ट्स रिलीज हुए हैं एंड उसके बारे में भी आपको बताएंगे दोस्तों। तो गाइस आज का दिन होता है समाप्त, आप सबसे मैं कल मिलता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही एंड सी यू ऑल टुमारो।